लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। टीचर्स एंड माय डियर फेलोज, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर हियर टू सेलिब्रेट इकबाल डे। वी स्टार्ट अवर ब्यूटीफुल समरी विद द नेम ऑफ अल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉल नकीब भाई फॉर रेसिटेशन ऑफ होली कुरान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Now I would like to call Fasi and Zulaikha for Naat-e Rasool sallallahu alaihi wasallam. Please. Hasbi Rabbi jalla Allah ma fi qalbi khairullah nur Muhammad sallallahu ilaha illallah tere sadke mein aqa अपनी बहन से बोल उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या चुपके चुपके पढ़ती थी बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी वैरुल्लाह सरवर्दी का प्यारा है दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है वो जो बिलाले हबशी है सरवर्दी का प्यारा है दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है जुल्म हुए कितने उन पर सीने पर रखा पत्थर पर भी लब पर जारी था सुभान अल्लाह।
दरवेश हूँ मैं के शाहीन बनाता नहीं आशियाना, के शाहीन बनाता नहीं आशियाना। बाकी रुई जब बेदाग होती है जवानों में, बाकी रुई जब बेदाग होती है जवानों में, नजर आती है उसे अपनी मंजिल आसमानों पे। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। जनाबे सदर, मेरे अजीज दोस्तों और मेरे उस्तादे कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप सबको मालूम है कि मेरा नाम हाफिज मोहम्मद नकीबुर रहमान है। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है शायरे मशरिक, शायरे मिल्लत, मुफक्कर इस्लाम और मुसव्वर पाकिस्तान डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल। इकबाल जिसने 9 नवंबर 1877 में पंजाब के सरजमी के शहर सियालकोट में नूर मोहम्मद के घर में पैदा हुए। जब अल्लाह ताला किसी कौम पर एहसान करता है तो उसे तोहफे में इकबाल जैसे मर्द, इकबाल जैसे मर्द कलंदर अता करता है। हजारों साल नरगिस, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही। बड़ी बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इकबाल जैसी हस्तियां, इकबाल जैसी हस्तियां हजारों साल बाद, हजारों साल बाद कहीं सदियों बाद कहीं पैदा होते हैं। बाल एक आशिक रसूल थे, मुफक्कर इस्लाम थे, मुफक्कर पाकिस्तान थे। इन सब के साथ साथ इस्लाम के सच्चे पक्के ईमानदार और हमदर्द थे। गवारी हमने इस्लाम से जो मीराद पाई थी, गवारी हमने इस्लाम से जो मीराद पाई थी, सुरैया सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। वो वक्त के जब इंसानियत अंधेरों में गुम हो चुकी थी, मुसलमान गुलामी की जंजीरों में जकड़े जा चुके थे, तब अल्लाह ताला को बेबस मुसलमानों की बेबसी पर रहम आ गया। तब अल्लाह ताला हमारे रब को बेबस मुसलमानों की बेबसी पर रहम आ गया, जिन मुसलमानों को उन इंसानों की मदद करने के लिए भेजा गया, उनमें डॉक्टर मोहम्मद अलामा इकबाल सरफरिस्त थे। अलामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए सोई हुई कौम को जगाया, कमजोर और बेबस इंसानों को जीने का हौसला दिया, एक नई उम्मीद जगाई, पाकिस्तान का ख्वाब देखा। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसने जवानों की खुदी सूरत फुलाद। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए बूढ़ों, जवानों, बच्चों, औरतों को निशाने मंजिल देने को कोशिश की। इन्होंने बच्चों को भी बहुत अच्छी अच्छा पैगाम दिया। यही लोग वही जहां में अच्छे हैं, वही लोग जहां में अच्छे हैं आते हैं जो काम दूसरों के। अलामा इकबाल ने ये काम कर दिया, जो शमा इन्होंने जला, इसकी रोशनी तो ना देख सके पर हमारे लिए एक आजाद वतन हासिल किया। प्यारे दोस्तों, साजे कराम, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अलामा मोहम्मद इकबाल के पैगाम को आम कर दें और अपने वतन की तरक्की में बढ़-चढ़ती में। अब मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूंगा, जमीर जाग जाता अगर जिंदा हो इकबाल, जमीर जाग जाता अगर जिंदा हो इकबाल, कभी गुनाह से तो कभी गुनाह से तो कभी गुनाह के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्रिंसिपल, मोहतरम असातिज़े करम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम।
जैसा कि आज आप सबको मालूम है कि आज अलामा मोहम्मद इकबाल के पैदाइश का दिन है, तो मैं आप सबके सामने अलामा मोहम्मद इकबाल के कुछ अशआर बुलंद करना चाहूँगी। खुदा के बंदे तो है हजारों, खुदा के बंदे तो है हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जिस जहां चीज है क्या लोहो कलम हम तेरे हैं। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। कहारियो गफारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हो तो मिलता है मुसलमान। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर, हो रस्म हक को बातिल तो फौलाद है मोमिन। आखिर में मैं अलामा इकबाल की शायरी में से एक खास पैगाम देना चाहूंगी। दरियाए इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दरियाए इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। आपकी समातों का शुक्रिया। I would like to call them my for quiz. क्यों मन्नते मांगता है औरों के दरबार से, क्यों मन्नते मांगता है औरों के दरबार से, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 9 नवंबर है और हम लोग उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज यहाँ मौजूद हैं। तो मैं आज उसी से रिलेटेड आप लोगों से कुछ क्विज के सवाल पूछूंगी। तो आप लोगों में से जिसको भी जवाब आता होगा वो अपना हैंड रेज करेंगे, ठीक है? ओके, सो स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, सन 1924 में अल्लामा इकबाल की पहली किताब जो उर्दू में शाया हुई, इसरार खुदी, बांगे दरा, बाले जिब्राइल, मुसलमानों की आजादी। अल्लामा इकबाल उर्दू और फारसी के यकसा मकबूल शायर हैं, लेकिन उनका ज्यादा कलाम किस जबान में है? क्लैपिंग फॉर हिम। अल्लामा इकबाल को सर का खिताब कब मिला? 1923, 1921, 1925. Very good. अल्लामा इकबाल के मज़ार का डिजाइन किसने तख्लीक किया? मौलाना रहीम मुश्ताक ने, नवाब जैन यार जंग ने, नवाबुद्दीन गौरी ने, ख्वाजा आसिफ अली ने। शुमाइला। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अल्लामा की आखिरी किताब जो आपकी वफात के बाद शाये हुई, ज़र्बे कलीम, बांगे दरा, अरंगाने हिजाज, जावेद नामा। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अल्लामा इकबाल के वालिद का क्या नाम था? शेख नूर मोहम्मद, गुलाम अली, शेख इम्तियाज अली एंड शेख नवाबुद्दीन वारिस। वेरी गुड, क्लैपिंग। अल्लामा
इकबाल ने PhD की डिग्री किस मुल्क से हासिल की? हसन, अमेरिका से, जर्मनी से, इंग्लैंड से? जर्मनी। एक्सीलेंट। लंदन यूनिवर्सिटी में अल्लामा इकबाल किस मजमून के प्रोफेसर थे? अरबी, उर्दू, फारसी? अरबी के। Failure is not fatal until we surrender. Crying again is the key of glorious victory. Now I would like to call Nazis for English speech from Great Seven. Bismillahirrahmanirrahim. Respected principal, honorable teachers, and my dear fellows, Assalamu alaikum. As we know, our national poet Allama Iqbal is the creator of the idea of Pakistan. He is also called the poet of peace and the champion of the Islamic thought. He was born in Sialkot in 9 November 1877. His family name was Sheikh Nur Muhammad. He got his early education from a local school. After doing this, his matric, Allama Iqbal joined Murre College, from where he passed his intermediate. He went abroad. From there, he did his PhD and come back home. On his return, he started practicing as a lawyer in Lahore. Very soon, he felt bored and gave most of his time to poetry. His education of philosophy provided him a lot of food for thought. Muslims were passing through the most terrible times of their history. They were leading a life of misery, and his poetry gave them a new spirit. His poetry introduced through the spirit of liberty. Iqbal was wise enough to look into the future. He had already seen that the English had decided to crush the Muslims. He told Muslims that they could save themselves only by following their religion. So in his poetry, he warned the Muslims to beware their hidden enemies. Iqbal wrote in Urdu as well as in Persian. Many collections of his poems have been published. Bange Dara, Bale Jibril, Zarbe Kalim, Javed Nama, Payame Mashriq are some of them. According to Iqbal, the destination of Muslims changes them if they choose only the right path. Thank you. Special day. We should remember the great efforts of Allama Iqbal. Now I would like to call Naqib Bhai Abdul Rehbaz Bhai